पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की आज पुण्यतिथि और वीर भूमि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस दौरान सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्हें नमन करने पहुंचे केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट सहित कई नेताओं ने भी पुष्पांजलि अर्पित की। राजीव गांधी जो भारत के छठे प्रधानमंत्री और महज राजनीति में आने के 4 सालों के अंदर ही वो देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। दरअसल उनकी मां और उस दौर की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने बागडोर संभाली और देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली। महज 40 साल की उम्र में वो देश के प्रधानमंत्री बन गए थे और दुनिया के उन चुनिंदा नेताओं में शामिल हो गए थे जिन्होंने इतनी कम उम्र में देश की बागडोर संभाली। कई ऐसे नवाचार उन्होंने किए, कई ऐसे सुधार उन्होंने किए जिसके लिए देश हमेशा उनको याद करेगा। फिर बात चाहे नौकरशाही में सुधार की हो, देश की अर्थव्यवस्था को उदार बनाने की बात हो, या फिर लाइसेंस राज को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाने की बात हो, कई कॉरपोरेट कंपनियों को उद्योग उत्पादन बढ़ाने में सब्सिडी भी उन्होंने दिलाई। और वहीं अगर बात करें हम शिक्षा की, विज्ञान की, तकनीक की, तो इस पर भी उन्होंने जोर दिया। 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत देश की शिक्षा को विस्तारित करने का प्रयास किया। जवाहर नवोदय विद्यालय की उन्होंने स्थापना की। देश के विकास में विज्ञान और तकनीकी विकास को दिशा देने में विशेष योगदान दिया। विज्ञान और तकनीकी को बढ़ावा देने और देश में कंप्यूटर को लाने और सुपर कंप्यूटर के निर्माण को प्रोत्साहन देना, देश में दूर संचार की क्रांति को लाना और उसकी नींव रखने का श्रेय भी स्वर्गीय राजीव गांधी को जाता है। हालांकि जोर की कांग्रेस अलग है, उस जोर की कांग्रेस अलग थी, लेकिन तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, सचिन पायलट और कांग्रेस के बाकी तमाम नेता उन्हें नमन करने पहुंचे हैं, उन्हें याद करने पहुंचे हैं। तमिलनाडु में एक चुनावी सभा करने के दौरान आतंकियों ने हमला किया था और 21 मई 1991 को उनकी हत्या कर दी गई थी। बम से उड़ा दिया गया था, ह्यूमन बम के जरिए उनको उड़ा दिया गया।